हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर आ सकता है। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने कल बेसिकली इसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर एक सब सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि हिस्टोरिकली या फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन सिटीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी वाराणसी एंड अजमेर के बारे में बात किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बेसिकली हम कन्नौज के बारे में बात करने वाले हैं। कन्नौज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, यूपी के अंदर प्रेजेंट है। नाउ अर्ली बुद्धिस्ट के टाइम में इसको कन्नाकुजा नाम से जाना जाता था, ठीक है। कन्नाकुजा नाम ही बाद में इवॉल्व होकर कन्नौज नाम बना। सो आई होप दिस इज क्लियर। कन्नाकुजा वर्ड किस चीज से सिंबलाइज करता है, तो ये कन्नौज से सिंबलाइज करता है। नाउ ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ स्ट्रगल था, मतलब ये जो सिटी है ये पॉइंट ऑफ स्ट्रगल था तीन मेजर डायनेस्टीज के लिए। वन वॉज गुज्जर प्रतिहारस, सेकेंड वर पाला डायनेस्टी एंड थर्ड वॉज राष्ट्रकूता डायनेस्टी। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुज्जर प्रतिहारा जो थे वो मिडल इंडिया के बीच में, जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर रूल क्या करते थे, राष्ट्रकूता मिडल और जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वहाँ पर रूल करते थे, और पालास जो है प्रेजेंट डे ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है यानी कि ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर रूल क्या करते थे। एंड तीनों ही जहाँ पर कॉमन पॉइंट पे मिलते थे, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज कन्नौज, ठीक है। सो कन्नौज वॉज द प्लेस जो कि तीन डिफरेंट डायनेस्टीज के लिए एक कॉमन पॉइंट ऑफ स्ट्रगल रहा है। तीन कौन कौन सी डायनेस्टीज है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स के अंदर, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गुजर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूतास, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नौ गुज्जर प्रतिहारास इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, इसीलिए वो जीतते हैं और गुज्जर प्रतिहारास की कैपिटल की तरह कन्नौज सर्व करता है। सो कन्नौज वॉज ऑल्सो कैपिटल ऑफ गुज्जर प्रतिहारास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से कौन से डायनेस्टी ने कन्नौज को अपना कैपिटल बनाया था, द आंसर इज गुज्जर प्रतिहारास। नौ कौन कौन सी अलग अलग डायनेस्टी थी जिन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लेस पर रूल किया है, कन्नौज पर रूल किया है, राइट। तो एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया, गुज्जर प्रतिहारास ने इसको एज अ कैपिटल इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक मौखारी डायनेस्टी थी। देखिए मौखारी डायनेस्टी बेसिकली गुप्ता एज के टाइम की बेसिकली एक डायनेस्टी है। होता यह है कि जो गुप्तास थे, गुप्तास में से छोटे छोटे कुछ डायनेस्टीज टूट गई थी, उन्हीं में से एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था मौखारी डायनेस्टी, और मौखारी डायनेस्टी के कैपिटल की तरह काम किया था यहाँ पर कन्नौज ने। इसके अलावा पुष्यभूति डायनेस्टी में एक हर्षवर्धन आए थे, हर्षवर्धना ने यहाँ पर मौखारीज को हराया था और कन्नौज के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। सो कन्नौज मौखारी डायनेस्टी साथ में हर्षवर्धना की जो डायनेस्टी थी पुष्यभूति डायनेस्टी, दोनों के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा जो गढ़वाल डायनेस्टी है, गढ़वाल डायनेस्टी को हमने ऑलरेडी कल कवर किया था अजमेर में, राइट, अजमेर को जब डिस्कस कर रहे थे। तो गढ़वाल डायनेस्टी ने यहाँ पर कन्नौज के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रोल किया है, राइट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब देखो गढ़वाल डायनेस्टी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था गोविंद चंद्र, और ये गोविंद चंद्र जो थे उन्होंने इस पर्टिकुलर सिटी को सबसे ज्यादा फेम और नेम पर पहुंचाया था। तो जो कन्नौज का जो नाम है जिसके कारण ये तीनों ही जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी जो कन्नौज के पीछे जा रही थी, दैट वॉज एक्चुअली बिकॉज ऑफ गोविंद चंद्र, बिकॉज गोविंद चंद्र ने कन्नौज को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया था और उसको एक इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनाया था कि हर एक डायनेस्टी कन्नौज के ऊपर अपना हक या फिर अधिकार जमाना चाहती थी, ठीक है। नाउ कन्नौज के अंदर दो मेन चाइनीज पिलग्रिम्स आते हैं, एक का नाम था फाहेन और दूसरे का नाम था श्वानजैंग। फाहेन और श्वानजैंग दोनों ही ध्यान रखिएगा कन्नौज के अंदर आए। फाहेन किस टाइम आते हैं, फाहेन आते हैं चंद्रगुप्त टू के टाइम में, और श्वानजैंग जो है वो उसके बाद में आए थे, मतलब चंद्रगुप्त टू के बाद में आए थे, फाहेन के बाद में आए थे। और जब वो आते हैं तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर मतलब कन्नौज के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज प्रेजेंट हैं, प्लस कन्नौज एक बहुत ही प्रॉस्परस सिटी है, मतलब बहुत ही धन और धान्य वाला सिटी है, वेल्दी सिटी है, काफ़ी पैसे हैं इस पर्टिकुलर कन्नौज में, बहुत ज़्यादा लोग रिच है यहाँ पर एज कम्पेयर टू पुअर, राइट। और साथ ही साथ बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी हैं, मतलब पीस जो है वो लाइफ में प्रेजेंट है लोगों के, मतलब लोगों के मन में शांति बहुत है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर जो है वो कन्नौज के अंदर प्रेजेंट है, उसका नाम है सनकिसा। ध्यान रखिएगा सनकिसा कहाँ प्रेजेंट है, कन्नौज के अंदर प्रेजेंट है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा देयर वाज अ बैटल ऑफ कन्नौज जिसे बैटल ऑफ बीलग्राम भी कहा जाता है। सो बैटल ऑफ कन्नौज जो है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में फाइट हुई थी 1540 में
देखिए 1526 में बाबर ने नींव रखी थी मुगल एम्पायर की, और उसके बाद जो सेकंड मुगल एम्पायर बने थे दैट वाज हुमायूं, और हुमायूं को 1540 में एक फाइट लड़नी पड़ी थी बेसिकली शेरशाह सूरी के से साथ, जिसके अंदर शेरशाह सूरी जो थे वो जीत गए थे और हुमायूं हार गए थे, और हुमायूं को बेसिकली अपना मुगल एम्पायर छोड़ के जाना पड़ा, एंड ही केम बैक इन 1556, वापस आते हैं वो, ठीक है, मतलब 1555 में आते हैं और उनके एक साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है 1556 के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ कन्नौज शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, इसको बैटल ऑफ बीलग्राम भी बोला जाता है, और हुमायूं की इसमें हार हो गई थी। इसके अलावा 1000 एडी के आसपास में महमूद ऑफ गजनी जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अजमेर के साथ साथ में, अजमेर में हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस किया हुआ है, अजमेर के साथ साथ में यहाँ पर कन्नौज पर भी उन्होंने अटैक किया था और कन्नौज को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था, प्लस कन्नौज के अंदर से भी वो बहुत सारा सामान और बहुत सारा पैसा वेल्थ लूट कर ले गए थे वो, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी। इसके अलावा कन्नौज आज के टाइम में किस लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स कन्नौज परफ्यूम। यहाँ का जो परफ्यूम है यानी कि जो इत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, और वो इतना ज़्यादा फेमस है कि कन्नौज को भारत का परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज इंडियाज परफ्यूम कैपिटल। इसके अलावा ये तीन मेन चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, परफ्यूम का, टोबैको का एंड रोज़ वाटर, जो गुलाब जल होता है गुलाब जल, वो टोबैको और परफ्यूम, ये तीन चीज़ें कन्नौज के अंदर बहुत ज़्यादा बनती भी है और बहुत ज़्यादा बिकती भी है, यानी कि प्रोडक्शन सेंटर और मार्केट दोनों ही कन्नौज के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट है। नाउ इसका आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, आई होप इट इज़ क्लियर कि उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पार्ट के अंदर यहाँ पर कन्नौज प्रेजेंट है, और जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गुर्जर प्रतिहारास जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे, राष्ट्रकूटास जो कि सेंट्रल और सदर्न इंडिया में थे, और पाला जो कि ईस्टर्न इंडिया में थे, ये तीनों ही एक कॉमन पॉइंट के लिए फाइट कर रहे थे, एंड दैट कॉमन पॉइंट वाज दिस वन दैट इज कन्नौज। कन्नौज एक ऐसी जगह थी जहाँ पर तीनों का ही बेसिकली जो कब्जा जमाने का जो वो था, मतलब अधिकार जमाना चाहते थे तीनों ही डायनेस्टीज, तो दैट पर्टिकुलर प्लेस वॉज कॉल्ड एज कन्नौज। उम्मीद करता हूँ कन्नौज के बारे में यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग। नाउ कन्नौज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ये कल्चरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमारे आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो डिस्कशन विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड आपको हेल्प मिलेगी अपने नॉलेज को और ज़्यादा बूस्ट करने में, प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।